तो आज दूसरा दिन है मसूरी में और ये ले लिया है डोरिटो ऋषभ लोगों के लिए और धुंध पूरी छाई हुई है इस समय। मौसम बहुत ही सुहाना हो रखा है और मैं जा रहा हूँ होटल में, ऋषभ सो रहा है उसको उठाता हूँ, मैं नहा चुका हूँ। तो ऋषभ भी नहा धो के रेडी हो चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं अब मसूरी के आसपास की जगह एक्सप्लोर करने। तो कल हम लोग माल रोड गए थे घूमने जहाँ पे ऋषभ को पॉटी आ गई थी, बट आज ऋषभ ने पॉटी कर ली है इसलिए अब टेंशन फ्री होके घूम सकते हैं पूरा दिन। ऋषभ हम लोग आ गए हैं भेटा फॉल्स का रोपवे पे। हाँ, तो ये भट्टा फॉल्स मसूरी से नीचे पड़ता है देहरादून रोड पे और काफी अच्छी जगह। भट्टा फॉल्स पे हैं, बोलो भट्टा फॉल्स, और रोपवे पे जा रहे हैं रोपवे पे। तो इस भट्टा फॉल्स रोपवे का प्राइस है 250 पर पर्सन अप डाउन का रिटर्न टिकट। तो ये भट्टा फॉल्स जो है ना, यहाँ पे बच्चों के लिए तो एकदम स्वर्ग जैसा है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, लाइक गेमिंग जोन है, बोटिंग है और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, रेन डांस भी है यहाँ पे। तो ऋषभ का बोटिंग करने का मन कर रहा है इस समय यहाँ पे। इधर देखो, हैंडल हैंडल। तो बोटिंग करने के बाद हम लोग चले गए थे गेमिंग जोन में और मैंने सोचा ऋषभ को वाटरफॉल के पास फोटो क्लिक कर दूं, बट वो रुका नहीं, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था जाने के लिए। मैंने बहुत उससे रिक्वेस्ट की कि आओ बेटा फोटो खिंचवा लो, फोटो खिंचवा लो, बट वो चला गया और फिर मैं भी उसके पीछे पीछे आ गया। और यहाँ पर वो गेमिंग जोन बहुत ही बढ़िया था यहाँ पे, लाइक ये कार्स भी थी यहाँ पे बच्चों के लिए, बट ऋषभ ने नहीं की। ऋषभ ने ये वर्चुअल रियलिटी वाला कुछ ट्राई किया, उसके बाद मैंने भी ट्राई किया बट मेरा वीडियो कोई शूट नहीं हो पाया। तो ऋषभ काफ़ी थक गया था भट्टा फॉल्स में घूमते घूमते, इसलिए हम लोग वापस जा रहे हैं और बहुत ही अच्छी जगह है बच्चों के लिए खासकर, बहुत सारी एक्टिविटीज़ बच्चे बच्चे यहाँ पे। और यहाँ पे आ गए मसूरी झील के पास हम लोग खाना खाने, और मैंने ऑर्डर किया है राजमा चावल अपने लिए और ऋषभ ने कुछ नहीं खाया। और वापस होटल की तरफ क्योंकि जाड़ा होने लगा था इसलिए हम लोगों ने ड्रेस चेंज कर लिए हैं, थोड़े से गर्म कपड़े पहन लिए हैं और अभी हम लोग निकल चुके हैं। ऋषभ तू भी याद कर ले, अगली बार आएंगे तब तुम भी बताना। और फाइनली हम लोग लैंडोर पहुंच चुके हैं, रात शाम के लगभग 5 बज रहे हैं अभी और काफ़ी अच्छा माहौल है यहाँ का। और ये चार दुकानें यहाँ पे जो हैं ये बहुत फेमस है, चार दुकान से भी यहाँ पे बोलते हैं। और ये लैंडोर का बहुत ही फेमस कैफ़े है, कैफे डी लैंडोर, और यहाँ पे हम लोगों ने मार्गरिटा पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है और यहाँ पे लाइव म्यूज़िक चलता है बट अभी ख़त्म हो गया था। और खाना पीना खाने के बाद थोड़ी सी फोटोग्राफी की हम लोगों ने, ऋषभ की भी अपनी भी, और बस इसी तरह आज का दिन भी हम लोग का फिनिश हो गया और बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने। भैया बड़ा खतरनाक रास्ता है। मजा आता है लंडोर में? मजा आया तुमको पिज्जा खा के? ओके, तो अभी हम लोग आ गए हैं होटल पे और अब जा रहे हैं डिनर करने। और आज है हम लोग की ट्रिप का 5वां दिन और हम लोग वापस सब जा रहे हैं देहरादून। होटल से चेकआउट कर लिया है और ऋषभ की तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ हो रही थी, उसको पेट में दर्द हो रहा था। पेट दर्द हो रहा है, अभी सही हो जाएगा। तो ये हम लोग का देहरादून वाला होटल है
अभी भी जस्ट चेकआउट किया है और ऋषभ को पॉटी आई थी, इसलिए मुझे अपना जल्दी जल्दी कपड़ा चेंज करना पड़ गया। सूटकेस निकाल दिया है और रूम काफ़ी अच्छा है, बाथरूम भी अच्छा है। और ऋषभ ने कार में दो बार उल्टी की, इसकी वजह से सारे कपड़े गंदे हो गए। ये सब उल्टी वाले कपड़े रख दिए हैं। हाँ, होटल बहुत ही अच्छा है, कंफर्टेबल। हाँ, उल्टी कर दी थी ऋषभ ने। ओके, तो इस रूम में फ्रिज भी है, जलजीरा मैंने रख दिया है, पानी का भी इंतज़ाम है, चाय कॉफ़ी का भी। ऋषभ लो खा के आओ। कभी हम लोग जा रहे हैं ऐसे ही एक्सप्लोर कर रहे हैं देहरादून, ऋषभ खा रहा आइसक्रीम। यही खाओ ना। हेलो जी, तो अभी हम लोग वेट कर रहे हैं फिनिश करने और हम लोग जाएं पैसिफिक मॉल। हाँ, ये कोल्ड ड्रिंक भी है, पियो। तो अभी हम लोग पैसिफिक मॉल घूम के आए हैं, 3-4 घंटा हो गया है और शाम रात के बज गए 8, और अब ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, सो जाएंगे चुपचाप। और ऋषभ को दिलाया था मैंने प्लेटो, तो वो अभी खेलेगा, ठीक है, प्लेटो के साथ।